हमने कभी 10 दिन के लिए वेकेशन में बाहर घूमने जाना है तो हम जनरली 1 या 2 हफ्ते पहले से ही प्लानिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। बट आपका फ्यूचर करियर, जो आपको नेक्स्ट 30 to 35 years काम करना है, उसकी प्लानिंग के लिए हमने कभी भी टाइम नहीं दिया। इंडिया में ये एक डिफॉल्ट मोड में सेट है कि पढ़ते पढ़ते अपने आप ही हम किसी करियर में घुस जाएंगे। इस अप्रोच में प्रॉब्लम ये है कि हम रादर देन किसी एक करियर में एक्सेलेंस अचीव करें एज पर अवर स्ट्रेंथ एंड पर्सनैलिटी, हम किसी इररिलेवेंट करियर में मीडियोकर बन के रह जाते हैं ड्यू टू लैक ऑफ करियर प्लानिंग। डेवलप कंट्रीज लाइक यूएसए, यूके में करियर प्लानिंग करने से पहले स्टूडेंट्स का साइकोमेट्रिक असेसमेंट किया जाता है। ये टेस्ट 5 डायमेंशन पे असेस करता है, लाइक इंटेलिजेंस, पर्सनैलिटी, लर्निंग स्टाइल, इमोशनल क्वेश्चन एंड करियर वैल्यूज। अगर आप चाहते हैं कि आप इस भेड़ चाल में ना रहे एंड अपने करियर को लेके प्रोएक्टिव डिसीजन ले रहे हैं तो इस वीडियो को जरूर देखिए, क्योंकि इस वीडियो में हम इन 5 डायमेंशन ऑफ करियर असेसमेंट को डिस्कस करेंगे। अगर आपने अब तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए एंड बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। करियर एक लाइफ टाइम रिलेशनशिप है। किसी स्पेसिफिक करियर की रिक्वायरमेंट एंड हमारी खुद की पर्सनालिटीज में सिमिलैरिटीज होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल, एक करियर है सेल्स एंड मार्केटिंग, जिसमें बड़ी कंपनीज में पैकेजेस अच्छे होते हैं। इस प्रोफाइल में पर्सनालिटी चाहिए होती है, एक्स्ट्रोवर्ट एंड इंटेलिजेंस चाहिए होता है, इंटरपर्सनल एंड वर्बल। सपोज एक लड़का है राजू, जिसकी पर्सनालिटी है इंट्रोवर्ट एंड इंटेलिजेंस है मैथमेटिकल एंड लॉजिकल। उसने अपने पड़ोस में देखा कि उसका दोस्त सुरेश किसी सेल्स एंड मार्केटिंग कंपनी में है एंड काफी अच्छे पैसे कमा रहा है। अब अगर उसका एम है कि मेरी सैलरी अच्छी होनी चाहिए इररिस्पेक्टिव ऑफ माय ओन पर्सनालिटी एंड करियर टाइप, तो सपोज उसने कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक करके वो ऐसी कंपनी में घुस भी गया, तो जस्ट इमेजिन कि क्या वो सर्वाइव कर पाएगा फॉर नेक्स्ट 30 to 35 years। सलाहिश करता जानवरों से और शादी कर रहा मशीनों से। वेरियस करियर्स की स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट हम आगे समझेंगे जब हम डिटेल में हर एक करियर को एक्सप्लोर करेंगे, बट खुद की पर्सनालिटी को समझने के लिए हमारे पास काफी सारे ऑप्शंस हैं। जनरली 5 डायमेंशंस हैं जिसपे आप खुद को एसेस कर सकते हैं, लाइक ऑलरेडी डिस्कस्ड कि हम इंटेलिजेंस, पर्सनालिटी, लर्निंग स्टाइल, इमोशनल क्वोशेंट एंड करियर वैल्यूज पे एसेस किया जा सकता है। सो वो फर्स्ट डायमेंशन इज इंटेलिजेंस, जिसके बारे में हॉवर्ड गार्डनर की थियरी है। So according to this theory, हर इंडिविजुअल का खुद का एक जेनेटिक इंटेलिजेंस होता है, या आप कहो कि एक टैलेंट होता है। So human beings को 8 इंटेलिजेंस ग्रुप में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, लाइक मैथमेटिकल एंड लॉजिकल, वर्बल, लिंग्विस्टिक, इंटरपर्सनल, इंट्रापर्सनल, स्पेडियल विजुअल, बॉडी काइनेस्थेटिक्स, म्यूजिकल एंड नेचुरलिस्टिक। इस टॉपिक में हमने एक ऑलरेडी डिटेल वीडियो बनाया है, जिसका लिंक आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। सेकेंड डायमेंशन इज ह्यूमन पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी इज द वे हम कैसे सोचते हैं, कैसे चीजों को फील करते हैं एंड अकॉर्डिंगली कैसे बिहेव करते हैं। ये जनरली बायोलॉजिकल एंड सराउंडिंग एनवायरनमेंट से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस होता है। इसको इवेल्युएट करने के लिए एक थियोरी है जिसे मायर्स एंड ब्रिग्स ने बनाई थी, जिसको MBTI कहते हैं। अकॉर्डिंग टू MBTI, एक ह्यूमन बींग को 4 तरीके से क्लासीफाई किया गया है। सो अबाउट द फर्स्ट पर्सनैलिटी टाइप, एक्सट्रोवर्ट और इंट्रोवर्ट। एक्सट्रोवर्ट ऐसे लोग होते हैं जो थोड़े फ्रैंक एंड आउटस्पोकन हैं। वो लोग काफी लोगों से कनेक्टेड रहते हैं, वो दूसरों से डिस्कस करके या शेयर करके सीखते हैं, अपनी बातों को बड़े अच्छे से एक्सप्रेस कर सकते हैं। इंट्रोवर्ट वो पर्सनालिटी है जो थोड़े शांत होते हैं, ये लोग डीप थिंकर्स एंड गुड लिसनर्स होते हैं। ये अपने स्पेस में काम करते हैं एंड इनको अपने थॉट्स एंड आइडियाज पे काम करने से एनर्जी मिलती है। आपने अगर अप्स मूवी देखी है तो उसमें जो हस्बैंड है वो शाय टाइप्स का बंदा है एंड उसकी जो वाइफ होती है वो एक्सट्रोवर्ट एंड जॉली टाइप्स की होती है। नाउ द सेकंड क्लासिफिकेशन इज सेंसिंग और इंट्यूटिव। सेंसिंग ऐसी पर्सनालिटी है जिनका फोकस प्रेजेंट पे होता है। ये लोग फैक्ट्स, डेटा एंड इंफॉर्मेशन पे बिलीव करते हैं। ये लोग थोड़े ऑर्गेनाइज होते हैं एंड एक ऑर्डरली सीक्वेंस में अपने काम करते हैं। ये लोग थोड़े प्रैक्टिकल भी होते हैं, फॉर एग्जाम्पल वायरस इन 3 इडियट्स मूवी। इंट्यूटिव ऐसी पर्सनालिटी है जो फ्यूचर में फोकस करते हैं। ये लोग पॉसिबिलिटीज एंड पोटेंशियल के बारे में सोचते हैं। ये लोग थोड़े इमेजिनेटिव एंड क्रिएटिव भी होते हैं। इनको रूटीन एंड ऑर्डरली सीक्वेंस बिल्कुल बोरिंग लगता है, जैसे कि जब वी मेट मूवी में गीत, जो कि एक इंट्यूटिव पर्सनालिटी है। थर्ड क्लासिफिकेशन इज थिंकिंग और फीलिंग।
थिंकिंग पर्सनालिटी अपने डिसीजंस, फैक्ट्स, फिगर्स एंड डेटा को एनालाइज करके करते हैं। ये लोग प्रोस एंड कॉन्स, कॉज एंड इफेक्ट देखते हैं। ये लोग प्रॉब्लम सॉल्वर्स भी होते हैं। लाइक आपने अगर स्वदेश मूवी देखी है तो उसमें जो मोहन होता है वो एक नासा साइंटिस्ट होता है जिसने अपने गाँव में खुद से ही एक डैम बनाया होता है। फीलिंग कैटेगरी में लोग पीपल बेस्ड होते हैं। आई मीन ये लोग दूसरों को एनकरेज एंड सपोर्ट करते हैं। ये लोग थोड़े एम्पैथेटिक एंड कंपैशनेट होते हैं। फॉर एग्जांपल मुन्ना भाई, एमबीबीएस में मुन्ना भाई जो दूसरों को जादू की झप्पी देता रहता था। नाउ द फोर्थ क्लासिफिकेशन इज जजिंग और परसीविंग। जजिंग पर्सनैलिटी थोड़े ऑर्गेनाइज होते हैं। इनको अपने काम में पूरी क्लैरिटी होती है। ये लोग एक टाइम पे एक ही काम करते हैं। ये लोग अपने काम को प्रॉपरली प्लान करते हैं देन एग्जीक्यूट करते हैं। ये लोग थोड़े स्ट्रक्चर एंड पंक्चुअल होते हैं। लाइक आपने अगर चक दे इंडिया मूवी देखी है तो उसमें कबीर सिंह को आपने देखा होगा जो सुबह 5 बजे उठ के प्रैक्टिस करवाता था। परसीविंग पर्सनालिटी मल्टीटास्कर्स होते हैं। इन्हें टाइमलाइंस बिल्कुल नहीं पसंद। इनकी सारी चीजें ओपन एंडेड रहती हैं। ये लोग ओपन माइंडेड हैं एंड दे आर जस्ट ओपन टू लास्ट मिनट चेंजेस। फॉर एग्जाम्पल मेकअप सेट में जो सेट होता है, मैं फर्स्ट टू डायमेंशन दैट इज इंटेलिजेंस एंड पर्सनैलिटी को एग्जाम्पल से एक्सप्लेन करूँ तो अरिजीत सिंह, जिनमें म्यूजिकल इंटेलिजेंस है बट उनकी पर्सनैलिटी इज इंट्रोवर्ट एंड इंट्यूटिव। नाउ द थर्ड डायमेंशन इज लर्निंग स्टाइल। इसका मतलब है कि हम जिस फॉर्मेट में इंफॉर्मेशन ग्रास्प करते हैं वो किस मोड में है। फोर टाइप्स ऑफ लर्निंग स्टाइल्स होती है एज पर वार्क थियोरी। ये है विजुअल, ऑडियो, रीड एंड राइट एंड काइनेस्थेटिक्स। विजुअल मीन्स इमेजेस और वीडियोस के फॉर्म में। लाइक फॉर एग्जांपल आपने अगर हिस्ट्री में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बारे में पढ़ा होगा तो उससे अच्छा अगर आप नेटफ्लिक्स में सेकेंड वर्ल्ड वॉर इन कलर की डॉक्यूमेंट्री देख लेते तो मे बी बेटर अंडरस्टैंडिंग होती। वेल इट डिपेंड्स अपॉन पर्सन टू पर्सन। ऑडियो मीन्स हमारे जो स्कूल या कॉलेजेस में लेक्चर सेशंस होते थे वो ऑडियो फॉर्मेट है। रीड एंड राइट में स्टूडेंट्स बुक को पढ़ के, वेब सर्फिंग करके, इंफॉर्मेशन गैदर करके लर्न करते हैं। काइनेस्थेटिक लर्नर्स चीजों को प्रैक्टिकली करके सीखते हैं। अब आपको डिसाइड करना है कि आप किस फॉर्मेट ऑफ लर्निंग में कंफर्टेबल हो। नाउ द फोर्थ डायमेंशन इज इमोशनल क्वोशेंट। आपने ये ऑब्जर्व किया होगा कि आपकी स्कूल या कॉलेज में जो बेस्ट स्टूडेंट होगा वो अपने प्रोफेशन में या फिर अपने रिलेशनशिप में बेस्ट नहीं होगा। यू मे हैव द टैलेंट बट हाउ अबाउट योर इमोशनल इंटेलिजेंस? हैप्पीनेस, फियर, एंगर, अफेक्शन, शेम, डिस्गस्ट, सरप्राइज, सैडनेस, लव, फ्रस्ट्रेशन, एंजाइटी, फेलियर्स, अचीवमेंट्स, ये कुछ इमोशंस हैं जो हमारे डेली लाइफ को अफेक्ट करते हैं। देयर इज अ कोट दैट आईक्यू गेट्स यू हायर्ड बट ईक्यू गेट्स यू फायर्ड और प्रमोटेड। सो आप अपने इमोशनल क्वोशेंट को एसेस कर सकते हो यूजिंग गोलमैन्स थियरी ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस, जिसमें आप खुद को सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ मैनेजमेंट, सोशल अवेयरनेस एंड सोशल स्किल्स में जज कर सकते हो। इस पर डिटेल्ड वीडियो हम बाद में बनाएंगे। नाउ द लास्ट एंड द फिफ्थ डायमेंशन इज करियर वैल्यूज। इसका मतलब है कि आप जो करियर परस्यू करना चाहते हो उसके पीछे आपकी क्या वैल्यूज है। क्या आप ऑटोनॉमी चाहते हो, लाइक कंप्लीट फ्रीडम अपने करियर में, या फिर आप एक ऐसा करियर चाहते हो विच इज फुल ऑफ क्रिएटिविटी? क्या आप स्क्रैच से सब कुछ बिल्ड करना चाहते हो लाइक एन एंटरप्रेन्योर, या आप सिर्फ जॉब सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी के लिए काम करना चाहते हो, या आप मानते हो कि आप किसी फील्ड में एक्सपर्ट हो एंड उस स्किल को एक्सप्रेस करने के लिए अपना जॉब कर रहे हो, या आप दूसरों की हेल्प करने के लिए वो काम कर रहे हो, या आप एक ऐसा जॉब करना चाहते हो जिसमें बैलेंस हो आपका करियर एंड पर्सनल लाइफ में। सो अगर मैं इस वीडियो को कंक्लूड करूं तो हमें अपनी करियर को चूज करने से पहले खुद के बारे में जानना होगा, रादर देन कि हम एक भेड़ चाल का हिस्सा बन के रह जाए एंड वही करें जो दुनिया हमसे करवाना चाहती है। अब आप मुझे कमेंट करके ये बताएं कि क्या आपने करियर चूज करने से पहले खुद को इन 5 डायमेंशंस में एसेस किया था या नहीं। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए एंड अगर आप मेरे इस काम को सपोर्ट करते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद।